अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने चाइना या मलेशिया यानी विजडम शेयर की एलसीडी को बाय किया है तो आपको इसे ऑन करने पे कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कौन कौन सी ऐप्स मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा सा डिस्प्ले शो होता है, विजडम डॉट शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी, यानी यहाँ पर हमें टीवी शो होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से रिमोट से अब नेविगेशन की को प्रेस करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें टीवी शो हो रहा है। अगर आपने टीवी को बड़ी स्क्रीन पे वॉच करना है तो इसके लिए आपने यहाँ से डिस्प्ले का बटन प्रेस कर देना है। ठीक हो गया, अगेन डिस्प्ले का बटन प्रेस करते हैं तो हम उसी स्क्रीन पे दोबारा पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर राइट नेविगेशन की प्रेस करने पे एटीवी यानी हम टीवी के ऑप्शन में एंटर हो जाते हैं, और डाउन एरो की को प्रेस करने पे AV1, ये पीछे इसके पोर्ट्स लगी हुई हैं, अगर वहाँ पे आपने कोई चीज़ लगाई हुई है और उसके थ्रू प्ले करना है तो AV1 को प्रेस कीजिए, AV2 से प्ले करना है तो AV2 को। डाउन नेविगेशन की को प्रेस करते चले जाएँगे तो आप इन ऑप्शन में भी नेविगेट करते चले जाएँगे। और यहाँ पर राइट साइड पर आपको मिल रहा है इनविजिबल आर्ट, ब्राउज़र, टीवी असिस्टेंट, MIRA कास्ट, मायरा कास्ट, और टॉप पे आपको वाईफाई का आइकन शो हो रहा है, दैट्स मीन वाईफाई इस पर कनेक्टेड है। जब LCD से वाईफाई कनेक्टेड होगी तो यहाँ पे टाइम भी अपडेट रहेगा और वाईफाई का साइन भी यूं शो होगा, अदरवाइज इस वाईफाई के साइन के ऊपर एक लाइन होती है। तो पहले दिखाती हूँ कि इसमें इनविजिबल आर्ट में क्या है। तो इनविजिबल आर्ट में एंटर होने के लिए मैं राइट नेविगेशन की को प्रेस कर रही हूँ एंड एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉलपेपर्स मिल रहे हैं। जब आप अपनी LCD को कुछ टाइम के लिए यूज़ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाले वॉलपेपर्स उसके ऊपर चलने लग जाएंगे। और अगर आप ख़ुद से यहाँ पे किसी पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रही हूँ और एग्ज़िट होने के लिए यहाँ से मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ। और इसके राइट साइड पे है ब्राउज़र, ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए जस्ट मैंने एंटर का बटन प्रेस किया था तो यहाँ पर आपके सामने ब्राउज़र ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जो भी चाहें इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रही हूँ, इसको मज़ीद एक्सप्लोर मैं अगली वीडियोस में करूँगी। एग्ज़िट होने के लिए मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ रिमोट से। और नेक्स्ट ऑप्शन है टीवी असिस्टेंट, टीवी असिस्टेंट के लिए नेविगेट करते हुए टीवी असिस्टेंट पर आ रही हूँ और एंटर का बटन प्रेस करने से टीवी असिस्टेंट में एंटर हो रही हूँ। जैसे मोबाइल में हमें बूस्ट की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज़ की ऑप्शन शो हो रही है जो कि क्या करती है, हमारे सिस्टम में जो कैशे वगैरह आ चुके होते हैं उनको रिमूव करती है और इसको ऑप्टिमाइज़ करती है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ से मैं एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए ये डीप क्लीनिंग हो रही है, जो कैशे वगैरह होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आप इसको स्मूथली यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस करती हूँ, डीप क्लीन है, नेटवर्क टेस्ट है, नेटवर्क स्पीड टेस्ट है, ऐप अनइंस्टॉल है एंड क्लीन APK है, यानी अगर आपने किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना है तो आपको टीवी असिस्टेंट में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको एग्ज़िट कर रही हूँ। नेक्स्ट है जी मायरा कास्ट, मायरा कास्ट में एंटर होने के लिए राइट नेविगेशन की एंड एंटर। तो ये क्या करता है कि यानी ये मिरर कास्टिंग है, जब आप इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे तो जो भी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो यहाँ पे आपकी LCD पे भी शो होने लग जाएगा। इन सब को मैं नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगी। तो इससे भी एग्ज़िट होने के लिए यहाँ से मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ जो कि मेरे रिमोट कंट्रोल में है। ठीक हो गया, और नीचे है हमारे पास फेवरेट ऐप्स हैं, यहाँ पर है ऐप स्टोर, ऐप स्टोर में एंटर होने के लिए एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। ऐप स्टोर क्या करता है कि कोई ऐसी ऐप जो कि आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो आप उसको यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये होम है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है।
जो आपकी LCD में ऑलरेडी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सभी की सभी यहाँ शो होंगी, और अबाउट को प्रेस करने पे उसका वर्जन शो होगा, और साथ ही साथ अगर इसकी कोई अपडेट है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस मेन्यू से भी यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रही हूँ। TV असिस्टेंट मैंने ऊपर बता दिया है, यूट्यूब की ऑप्शन है, इसमें एंटर होंगे तो आप यूट्यूब को प्ले कर पाएंगे। इनविजिबल आर्ट ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, और यहाँ पे राइट साइड पे है ई शेयर, तो ई शेयर में भी देख लेते हैं। एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। तो ई शेयर में क्या है कि आप अपने मोबाइल को इससे कनेक्ट करके एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने यहाँ पे कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, अपने LCD TV में सेव करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। इस पर भी मैं जल्द एक वीडियो को अपलोड कर दूँगी, बट फॉर द टाइम बींग मैं यहाँ से एग्ज़िट हो रही हूँ। और अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल की है तो ये जो नीचे प्लस का साइन शो हो रहा है यहाँ पे वो ऐप शो होने लग जाएगी, जो भी आपने प्ले स्टोर से या जो भी ऐप स्टोर से आप एंटर करेंगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ऐप स्टोर के पास, फेवरेट ऐप्स के पास एक नेविगेशन बटन है, जो कि यहाँ पे LCD पे स्टिकर है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। अलबत्ता यहाँ से मैं लेफ़्ट नेविगेशन की को प्रेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 बटन्स हमें और शो होने लग गए हैं। अपर नेविगेशन की को प्रेस करती हूँ, ऐप्स आ गया, इसको क्लिक करती हूँ तो जो भी हमारे पास ऐप्स हैं यानी यूज़र ऐप्स हैं जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड हैं वो सभी की सभी यहाँ पे शो हो रही हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये प्रेस मेन्यू की टू एडिट के सामने जो बटन शो हो रहा है इसको यूज़ करेंगे तो आप इन ऐप्स को अरेंज कर पाएंगे। तो अभी यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट कर रही हूँ। तो डाउन नेविगेशन की को प्रेस करते हुए नेटवर्क की ऑप्शन है, नेटवर्क को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्शंस बताए जा रहे हैं, तो आप इसे इंटरनेट से वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायर्ड नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तभी मैं इसको वायरलेस ही रहने दूंगी। इसमें से भी यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया, मीडिया में देख लेते हैं क्या है। एंटर किया मैंने तो मीडिया में क्या है, अगर आप कोई USB ड्राइव अपने LCD TV को कनेक्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होगी फोल्डर्स की फॉर्म में, आपकी डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो होगा। इसको भी मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप नेविगेशन कीज़ को यूज़ करते हुए नेविगेशन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से एग्ज़िट हो रही हूँ, अगेन प्रेस किया, एग्ज़िट हो गई। और नीचे सेटिंग है, सेटिंग्स के लिए डाउन नेविगेशन की एंड एंटर का बटन। इसमें आपको नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क इसको एंटर करके दिखाती हूँ क्या है इसमें, जो कि सेपरेट ऑप्शन थी वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्ज़िट कर रही हूँ। नेक्स्ट है टाइम, टाइम को क्लिक करती हूँ। इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है ऑटो अटैच, ऑटो अटैच मीन कि अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि जब भी आप अपनी LCD को ऑफ करेंगे और दोबारा ऑन करेंगे तो आपका टाइम बहुत पीछे जा चुका होगा, लाइक 1970 में, और सुबह के 5 बजे का टाइम आता है। तो जब हमने इसी के ऊपर नेट को यूज़ करना है तो बेहतर है कि आप इसको ऑटो अटैच रहने दें। उससे क्या होगा कि जैसे नेट कनेक्ट होगा तो ये टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो एंटर बटन प्रेस करती हूँ ताकि ये ऑटो अटैच हो जाए। नीचे है टाइम जोन, डेट फ्रेम, डेट फॉर्मेट, 24 आवर्स, किस तरह का फॉर्मेट आप चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग है, स्क्रीन सेवर टाइम, यानी कि वो जो मैंने आपको वॉलपेपर्स दिखाए थे वो आप कितनी देर के बाद चाहते हैं कि शो होने लग जाए। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम है। राइट नेविगेशन की को प्रेस करने से मैं राइट साइड पर जा सकती हूँ, और लेफ़्ट नेविगेशन की को प्रेस करते हुए मैं लेफ़्ट साइड पर जा सकती हूँ। इवन मैं इसको ऑफ़ भी कर सकती हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि वो वॉलपेपर्स शो ना हो, तो ऑफ़ के ऑप्शन को भी चूज़ किया जा सकता है। बट मैं यहाँ पर 5 मिनट रखूँगी ताकि वो वॉलपेपर्स 5 मिनट के बाद शो होने लग जाएँ और LED स्क्रीन सेविंग मोड पे चली जाए। नीचे है स्लीप टाइमर, यानी इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितनी देर के बाद चाहते हैं कि आपका TV ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाए। तो फ़िलहाल मैं इसको ऑफ ही रहने देती हूँ और यहाँ से एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ। कॉमन में क्या है देख लेते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देख लेते हैं एंटर का बटन प्रेस करके। अरबिक है, इंग्लिश एंड फारसी, 3 लैंग्वेजेस हैं, यानी इंग्लिश के अलावा भी यहाँ पे लैंग्वेजेस को चूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ। इनपुट मेथड, एंड्रॉयड कीबोर्ड, यहाँ पे सिर्फ एक ही कीबोर्ड है और वो है एंड्रॉयड कीबोर्ड।
यानी जी बोर्ड वगैरह वो बोर्ड नहीं है, सिर्फ एक सिंपल जो एंड्रॉयड कीबोर्ड है वो है। और नीचे है वॉलपेपर, देख लेते हैं इसमें भी क्या है। ये डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स हैं, अभी तक तो मुझे आइडिया नहीं हुआ ये कहाँ पे शो होते हैं, अलबत्ता इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉलपेपर्स हैं। इसको मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रही हूँ। और नीचे है एडवांस, ब्लू स्क्रीन, दिस डिवाइस नेम, अगर आप अपनी डिवाइस का नेम चेंज करना चाहते हैं तो एंटर बटन प्रेस कीजिए, अपनी डिवाइस का नेम चेंज कीजिए एंड ओके कर दीजिए। मैं डिवाइस का नेम चेंज नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं यहाँ से एग्ज़िट का बटन प्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट है अकाउंट, एंटर कर लेते हैं। एड एन अकाउंट, जैसे मोबाइल के ऊपर आप सेटिंग्स में जाके एक अकाउंट सेट किया होता है, गूगल को यूज़ करते हुए आप अपने डिवाइस को ओपन करते हैं, तो इसी तरह अगर आप कोई जीमेल एंटर कर लेते हैं यूट्यूब को यूज़ करने के लिए तो वो अकाउंट यहाँ पे शो होगा। इसको भी एग्ज़िट कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिस्टम इन्फो, एंटर, तो जो भी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी। लाइक इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, मेमोरी कितनी है, ये रियल नहीं होती, फेक होती है। तो रियल कैसे जानी जा सकती है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को अपलोड कर रखा है, अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी एंड्रॉयड वर्जन, प्रोडक्शन मॉडल, फर्मवेयर वर्जन, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, GPU। चलो सिस्टम सेटिंग कम्प्लीट हो गया और अब मैं इस पूरे मेन्यू में से भी एग्जिट कर रही हूँ। तो जनाब ये सारे फीचर्स हमें मिलते हैं जब हम विजडम शेयर की LCD को बाय करते हैं। अगर आप विजडम शेयर यानी एक चाइना या मलेशियन LCD के न्यू यूज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस LCD को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करूँगी, एक एक फ़ीचर आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसके रिमोट में ऑल हिडन फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगी। कुछ वीडियोज़ तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और कुछ इंशाल्लाह जल्द ही कर दूँगी। जो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आप उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसी वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट होगी उसको क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो अगर नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि विजडम शेयर से रिलेटेड आने वाली ऑल वीडियोज़ आप इजीली वॉच कर पाएँ। दैट्स इट। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और याद रखिए साथ में बेल आइकॉन जो कि नोटिफिकेशन का बटन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज आने वाली ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।